अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हसन w3webschool.net की जानिब से और jQuery की इस क्लास में हम वेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने हाइट के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो अब हम वेट्स के बारे में कुछ बात करते हैं। सेम वही चीज़ है, सिर्फ उसमें हाइट था तो इसमें वेट था। सेम वही चीज़ है कि अगर आप सिर्फ वेट यूज़ कर रहे होंगे वेट का मेथड, तो इससे क्या होगा, मैं सिर्फ जो एक्चुअल हमने वहाँ पर वेट्स डिफाइन की होगी वो हमें रिटर्न हो जाएगी। उस इनर के यूज़ करेंगे तो सिर्फ हमें वो इंक्लूडिंग पैडिंग बट नॉट बॉर्डर, तो ये हमें वहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह आउटर में इंक्लूडिंग बॉर्डर भी आ और पैडिंग, इसी तरह जो हमने एक्चुअल वेट वहाँ डिफाइन की वो भी आ जाएगी। आउटर वेट की बात हो रही है ये, तो अब वही उसी कोड को हम ले लेते हैं, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ यहाँ पर मैं लेता हूँ पहले वेट, इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये मुझे बता रहा है था हाइट इज, असल में ये वेट हमें सही बता रहा है 200 पिक्सल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेट, जो हमें 200 पिक्सल बता रहा था, तो देखें 200 पिक्सल क्यों बता रहा था, ये देखें मैंने यहाँ पे वेट 200 पिक्सल ही यहाँ वहाँ पे डिफाइन की हुई है। और इसी तरह सेम मैं वही करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर विड्थ, वेट्स का जो W है वो कैपिटल में आना है, जो वेट का W है वो कैपिटल में आना है। इसका मैं रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें वेट इज 200 ही बता रहा है वो। मैंने जो अब भी वो वेट 200 बता रहा है, क्योंकि जो हमने बॉर्डर वगैरह दिया है और इस तरह पैडिंग दिया वो हमने सिर्फ टॉप से लिया हुआ है, लेकिन जो विड्थ में बात आती है वो लेफ्ट और राइट की बात आती है। अगर मैं इसको इस तरह का रिमूव कर दूं टॉप से और इसको मैं टॉप से रिमूव कर दूं, तो अब मुझे इसको जो शो करना चाहिए वो 224 हमें शो करना चाहिए इसको, तो मैं देखता हूँ करता भी है या ये देखें 220। ठीक है 220, क्योंकि हम इनर ले रहे हैं, अभी हम आउटर नहीं ले रहे, इनर में बॉर्डर इंक्लूड नहीं होता है, तो इसलिए उसने 220 सही रिटर्न किया। कैसे, पैडिंग लेफ्ट से भी थी राइट से भी थी टॉप से बॉटम से, लेकिन हमने जो लेनी थी वो लेफ्ट और राइट से, क्योंकि ये विड्थ की बात हो रही है, तो इसलिए 10 और 10 20 प्लस 200, तो 220 वो सही शो कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आउटर, तो आप देखें तो इससे क्या होगा, वो हमें 224 शो करेगा। तो ये देख लें 224 शो कर रहा है हमारे पिक्सल में। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये कर देता हूँ पैडिंग लेफ्ट या राइट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, अब वो हमें 214 हमें बता रहा है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ जो पैडिंग है वो मैंने लेफ्ट से कर दिया है, तो ये फ़र्क है। इस तरह बॉर्डर भी हम लेफ्ट से करें तो 2 पिक्सल और कम हो जाएगा। तो ये सिंपल था, तो हमारा टॉपिक था ये हाइट टू वेट का। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।